गुप्ता अब्रोड है, मेरा अपना यूनिसेक्स क्लब है, दैट इज बर्न अ टन। तो मैं एक इवेंट लेके आई हूँ जम्मू के लोगों के लिए, दैट इज शेफ नाइट। तो मुझे लगता है ये शेफ नाइट हमारे जम्मू में फर्स्ट टाइम इवेंट हो रहा है, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ये इवेंट गार्डन स्टेट में हो रहा है। इस इवेंट में हम जितने भी घर के लोग हैं उनको बाहर बुलाना चाहते हैं, जितने भी बच्चे हैं हम चाहते हैं कि बच्चे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें, जितनी भी हमारी मदर्स हैं वो बाहर आए, जितने भी हमारे फादर्स हैं वो भी इस इवेंट में बाहर आए। ये इवेंट हम जम्मू का जो फूड है, जम्मू का जो आम आप घर पे इसको कुक करते हो, आप उसमें उस डिशेस को लेके भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इवेंट 11 अप्रैल को गार्डन स्टेट में संडे को हो रहा है। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग 3 PM ऑनवर्ड्स। कितनी कैटेगरी में होगा जी? सर ये 3 कैटेगरीज हैं इसमें। इसमें एक सब जूनियर कैटेगरी है जिसमें हम 7 साल से लेकर 13 साल के बच्चे ले रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी है, दैट इज सब जूनियर, उसमें हम 14 साल से लेकर 20 साल के बच्चे ले रहे हैं। फिर एक कैटेगरी है सीनियर, जिसमें हम 21 साल से लेके ऑनवर्ड्स हम इसको कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स को इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेंट्स को इसमें अप्लाई करने के लिए या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी या फिर बर्न अ टन क्लब आकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें जो प्रोफेशनल अप्लाई, हाँ जी, इसमें चार्जेस अप्लाई है। हम सबसे जूनियर कैटेगरी में हम इसमें 400 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, 399, और जो सब जूनियर कैटेगरी में उसमें हम 799 कर रहे हैं, जिसमें आपको अपने इंडक्शन, माइक्रोवेव, अप्लायंसेस जो भी चाहिए वो आपको घर से लेके आना है। और एक सीनियर कैटेगरी है जिसमें 20 ऑनवर्ड्स है, उसमें अगर आपको गैस सिलेंडर चाहिए वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम 1299 चार्ज कर रहे हैं। बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं तो कितना सेफ रहेगा ये? बच्चों के लिए इट्स टोटली सेफ, क्योंकि बच्चे जो हैं इसमें टोटली फायरलेस कुकिंग करेंगे। हम उनको कोई भी ऐसा अप्लायंस नहीं देंगे जिससे उनको कोई हार्म हो। कोरोना भी चल रहा है तो इसकी गाइडलाइन, हाँ हम प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। जो भी हमारे अंदर गेस्ट आएंगे, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको प्रॉपर अपने सैनिटाइजर्स कैरी करने हैं, प्रॉपर मास्क कैरी करना है, सब कुछ होगा और हमारी तरफ से भी प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। विनिंग प्राइज रहेगा इसमें? यस सर, इसमें विनिंग प्राइजेस होगा। हम इसमें कैश प्राइजेस देंगे। हम इसमें जो फर्स्ट 9 टॉप 3 विनर्स हैं उसमें हमने कैश प्राइजेस रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट प्राइज हमारा है 10,000, सेकंड प्राइज हमारा 7,000 है, थर्ड प्राइज हमारा 5,000 है। जो उसके नीचे के टॉप 7 विनर्स हैं उनको हम मिल्टन प्रियो के प्रॉपर अप्लायंसेस देंगे। और भी हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स इस इवेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमको बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो सब चीजें भी दिए जाएंगे। मास्टर शेफ जैसे होता है, हम लोगों ने देखा है, तो आप भी इस तरीके से इवेंट करवाने जा रहे हो, क्या यहाँ पर भी जजेस रहेंगे, मास्टर शेफ यहाँ पर रहेंगे, रेसिपी चेक की जाएंगी, क्या उसी की तरफ से देखने मिलेगा? हाँ जी सर, इसमें सब कुछ चेक किया जाएगा। कोई भी अपने घर से कुछ भी बना के नहीं लाएगा। अगर किसी को कुछ भी यहाँ पे बॉईल करना है तो वो यहीं पर ही बॉईल करेगा। अगर किसी को यहाँ पे चॉपिंग करनी है तो वो चॉपिंग भी यहीं पर ही करेगा। हम उनको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, वो सब कुछ यहीं पर ही आके, उनका जो मार्क्स हैं वो उनके फूड के डिश के अकॉर्डिंग ही है। जैसे हमने इसमें 6 मार्क्स उनकी टेस्टिंग के रखे हैं, 6 मार्क्स हमने उनके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के रखे हैं, 4 मार्क्स हमने उनकी प्रेजेंटेशन के रखे हैं, 4 मार्क्स हमने उनकी टाइम लिमिट के रखे हैं। एक्चुअली मैंने ये सोचा कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे बच्चों की एक्टिविटीज नहीं हुई हैं, बहुत सारी फैमिलीज डिप्रेशन में चली गई हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार जम्मू में कुछ इस तरह के इवेंट्स नहीं होते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आम जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो घर से बाहर निकलें, इस इवेंट को एंजॉय करें। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी को लगता है कि मैं इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहती हूँ तो हमें फीस नहीं दे सकता, तो हम उसकी भी हेल्प करेंगे, उसको भी हम प्रमोट करेंगे। सर मैम, सेलिब्रिटी गेस्ट को वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग अभी, दैट विल बी डिस्क्लोज्ड आफ्टर 31st of March। कितनी उम्मीदें हैं इस इवेंट से, क्या लगता है कितने पार्टिसिपेंट आए? सर मैं तो आम जनता से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस इवेंट में आइए, इस इवेंट का हिस्सा बनिए, और इस इवेंट में जो आपके अपने घर के अंदर की कुकिंग है उसको बाहर निकालिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत प्रोफेशनल कुकिंग करनी है इसमें, आप इसमें अपने घर में जो रोज खाते हैं आप उसको भी इसमें बना सकते हैं। मैम आपने कहा कि फिलहाल हम सेलिब्रिटी गेस्ट ओपन करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर आप ओपनिंग कर दो तो लोगों में जागरूकता यहाँ पर आने की ज्यादा है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा कि ये सेलिब्रिटी आ रहे हैं, वी हैव टू गो फॉर दैट। हाँ
हम इसके लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम अपने सारे स्पॉन्सर्स और हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को भी इन्वाइट करेंगे, तो वो कॉन्फ्रेंस जो है हमारी 31st के बाद ही रहेगी। इस तरह का आइडिया जो है, इसका इनिशिएटिव जो है वो कहाँ से आया था? ऐसा तो नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बहुत सी रेसिपीज घर पे बना के स्टेटस रख ली, व्हाट्सएप पे देखिए हम घर बैठे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज है, मुझे तो ऐसे लगता है कि बच्चे भी लॉकडाउन के दौरान बहुत एक्टिव हो गए कुकिंग में, मदर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, इवन फादर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। तो मुझे यही लगा कि इस इवेंट को कराने से यही होगा कि एक एंथुसियाज्म रूम के अंदर आएगा कि यार वाकई हमको बाहर निकलना चाहिए और अपनी कुकिंग दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड डिशेज आपको यहाँ पर आकर बनानी है, आप सिंपल अपना घर का फूड कुक कर सकते हैं। मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा मेन मोटिव हमेशा यही रहता है कि मैं डिफरेंट से डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट से डिफरेंट चीजें लेकर जमू मैं। तो इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जिनका किसी को आइडिया भी नहीं है अभी तक और ना ही होगा, तो ऐसे इवेंट्स और भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे होते रहेंगे। क्या आपका इवेंट भी इसी चैनल के साथ आया था कि घर बैठे लोगों को देखने को मिलेगा? हम लोग लोकल चैनल्स में उसको देंगे, हम लोकल चैनल्स में उसको प्रमोट करेंगे, जितना भी है वो टीवी में लोकल न्यूज के दौरान मीडिया सपोर्टर्स जो हमारे पार्टनर्स बने हैं उनके दौरान सबको ये देखने को मिलेगा। ये देखा जाता है कि ज्यादातर महिलाएं खाना बनाती हैं, तो आपके इस इवेंट में महिलाएं भी आमंत्रित हैं या फिर पुरुष भी आ सकते हैं? इस इवेंट में बच्चे भी आ सकते हैं, इस इवेंट में पुरुष भी आ सकते हैं, इस इवेंट में महिलाएं भी आ सकती हैं, इस इवेंट में हमारे जो 50 अबव के लोग हैं वो भी आ सकते हैं। मैम, इस तरह के कॉम्पिटिशन पहले भी किए गए, लेकिन जिन लोगों ने वो कॉम्पिटिशन करवाए, मीडिया के सामने आए, अपने चेहरे चमकाए, उसके बाद चले गए, क्या आप जो हैं वो बच्चों का जो टैलेंट यहाँ पर देखेंगे, इस तरह के लोगों को वापस भी देखने को मिलेंगे? यस, इसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे, इसके बाद भी ऐसे ऐसे इवेंट्स हम लोग प्लान कर रहे हैं और प्लान करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हमने ये इवेंट कराया तो उसके बाद हम कोई इवेंट नहीं कराएंगे, हम बहुत सारे इवेंट्स और भी लेके आएंगे।